अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आई टी पी। अब कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अंडर 20,000 में डबल साइडर और नेटवर्क वाला प्रिंटर आपको कौन सा मिलेगा, और उसके जो स्पेक्स हैं क्या होंगे, प्राइस बताऊंगा, और साथ आपको बताऊंगा उसकी वारंटी कितनी होगी, साथ उसके साथ आपको फ्री क्या चीज़ मिलेगी। तो सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन उसको प्रेस कर देना। तो टाइम जाया कि बगैर वीडियो शुरू करते हैं। तो में ही मैंने आपको बताया कि आज हम अंडर 20,000 में आपको ऐसे दो प्रिंटर्स के बारे में बताएंगे जो जिनमें फीचर भी बड़े अच्छे हैं, स्पेक्स भी बड़े अच्छे हैं, और वैसे भी बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं HP LaserJet P1320DN को, जो कि बहुत अच्छा लेज़र मोनोक्रोम प्रिंटर है। इसके स्पेक्स भी बड़े अच्छे हैं, इसमें फ़ीचर भी बड़े अच्छे हैं। स्पेक्स की बात करें तो 1200 DPI के साथ इसकी रेजोल्यूशन है। ठीक है जी, और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो 24 PPM इसकी स्पीड है। ठीक है, चाहे लीगल करना चाहिए, फोर साइज आप इजीली कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम इसकी जो पेपर की बात करें कि कौन कौन से इसमें लगता है, तो इसमें एक बेसिक ट्रे है जिसमें आप इजीली 200 शीट लगा सकते हैं। ठीक है, लीगल A4 साइज़, इससे कम साइज़ आपने करना है, A5 साइज़, B5 साइज़ आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, टोनर की बात करें तो ये जो स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला है, ये आपका इजीली जो है 2000 से 2500 तक आप इजीली प्रिंटिंग कर सकते हैं। अगर हम इसकी एक्सल टोनर की बात करें तो 4000 से 5000 तक बआसानी इसकी प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसकी जो टोनर की रिफिलिंग की बात करें तो 700 रुपये का इसका टोनर रिफिल होता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला। और अगर हम इसकी एक्सेल की बात करें तो 1200 का रिफिल होता है। चाइना टोनर भी अवेलेबल है, जर्मन भी अवेलेबल है, बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी है। ठीक है जी, और इसके अलावा हम इसकी जो प्राइस की बात करें तो ये आपको 19,000 रुपये का प्रिंटर मिलेगा। इसमें डबल साइड की भी ऑप्शन है, इसमें लैन केबल की ऑप्शन है। डुप्लेक्स आप करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। अक्सर होता है ना, आप पूछते हैं कि यार कोई 18-20 के अंदर अंदर कोई अच्छा डुप्लेक्सर वाला मिल जाए, लैन केबल वाला मिल जाए, तो ये बहुत अच्छा प्रिंटर है। ठीक है, इसके बाद वाला जो बताऊँगा वो भी बहुत अच्छा, फाइन क्वालिटी वाला, बेस्ट फीचर वाला, वो भी बहुत अच्छा। आप दोनों में से कोई भी बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छे प्रिंटर है। ठीक है जी, पावर कंजम्पशन की बात करें तो ये भी 450 या 500 फ्यूजर यूनिट है इसका। UPS जनरेटर पे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, प्रिंटर के साथ आपको 1 मंथ वारंटी मिलेगी और मेरी तरफ से आपको केबल्स फ्री मिलेंगे। ठीक है जी, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर ले सकते हैं, आप मेरे से व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। नंबर पर जो प्रिंटर इसके चेकआउट करते हैं तो उसका मॉडल है HP LaserJet P1215DN। ये भी एक बहुत अच्छा लेज़र मोनोक्रोम प्रिंटर है। स्पेक्स की बात करें तो इसमें डबल ट्रे या ट्रे 1 है जिसको हम बाईपास बोलते हैं, ट्रे 2 है जिसके में हम बेसिक इजीली आप पेपर लगा सकते हैं, 200 शीट इजीली लगा सकते हैं। उसमें लीगल लगाना चाहते हैं, A4 लगाना चाहते हैं, आप लगा सकते हैं। टोनर की बात करें तो इसमें 53A लगता है, इसी के अंदर एक्सेल भी लग जाएगा और स्टैंडर्ड क्वालिटी का भी लग जाएगा। एक्सेल जो सा होता है वो इजीली 4000 से 5000 प्रिंटिंग करेगा, और जो स्टैंडर्ड है वो 2000 2500 बआसानी प्रिंटिंग करेगा। इसकी रिफिलिंग की बात करें तो 700 रुपये का इसका टोनर रिफिल होता है, और अगर हम इसकी एक्सेल टोनर की बात करें तो 1200 रुपये का इसका टोनर रिफिल होता है। बाकी इसका टोनर चाइना कंपेटिबल में भी अवेलेबल है और जर्मन भी अवेलेबल है। ठीक है जी, इसके अलावा हम इसकी स्पीड की बात करें तो 27-26 PPM इसकी स्पीड है। लीगल A4 लेटर साइज आपने कोई भी करना है आप कर सकते हैं। इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो 1200 DPI के साथ रेजोल्यूशन है, बहुत अच्छी फाइन रेजोल्यूशन है। ठीक है, फीचर में इसमें आपको डबल साइड मिल जाएगा, बहुत अच्छा डुप्लेक्सर है, स्पीड बहुत अच्छी है डुप्लेक्सर की, और शायद लैन केबल है, आप इसे नेटवर्क भी कर सकते हैं, शेयरिंग भी कर सकते हैं, और लैन केबल के साथ इसको वाईफाई भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये लेज़र प्रिंटर है। ठीक है जी, बात करें तो ये आपको 20,000 का मिलेगा प्रिंटर। ठीक है, अगर आप इसमें से एक चीज़ ख़त्म कर दें यानी लैन केबल ख़त्म कर दें तो आपको तकरीबन 1500 सस्ता मिल जाएगा, लेकिन फुल फीचर लेना चाहिए ताकि आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। आपने डुप्लेक्स कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके ऑफिस में 3-4-5 सिस्टम है, आप कहते हैं कि एक ही प्रिंटर चलाना चाहते हैं, तो आप उसको शेयरिंग पर करके ईजिली यानी लैन के थ्रू नेटवर्क करके आप ईजिली प्रिंटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके अलावा इसकी पावर कंजम्पशन की बात करें तो ये भी 450-500 वोट का इसका फ्यूजर यूनिट है। UPS जनरेटर पे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ इसकी जो आपको जो वारंटी है वो भी 1 मंथ वारंटी मिलेगी, और साथ ही आपको मेरी तरफ से अपनी केबलें फ्री मिलेंगी। ठीक है जी, और भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे से ईजिली रब्ता करके बात कर सकते हैं।
तो ये थी छोटी सी वीडियो। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इन दोनों प्रिंटर के मतलब या किसी ने बाय करना हो तो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप इजीली मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक है मस्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन उसको प्रेस कर देना। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।